गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत कर रहे थे, उसमें नेक्स्ट सिद्धांत है राजनीतिक यथार्थवाद। यथार्थवादी उपागम को मॉर्गेंथाउवादी उपागम भी कहते हैं, क्योंकि हंस जे मॉर्गेंथाउ, जो कि शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका में राजनीति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष थे, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की यथार्थवादी विचारधारा के जनक हैं। इनकी रचना पॉलिटिकल अमंग नेशन 1949 और दूसरी रचना है साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स 1946, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, 1958 अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी, जिसमें उनके यथार्थवादी विचारों का हमें दर्शन होता है। समस्त आधुनिक राजनीतिक चिंतन का इतिहास मुख्यतया इन्हीं दो दृष्टिकोण, आदर्शवाद और यथार्थवादी विचारधारा के फलस्वरूप ही विकसित हुआ है। इन दोनों दृष्टिकोणों का मानव प्रकृति, समाज और राजनीतिक संस्थाओं के प्रति विशेष दृष्टिकोण है। यथार्थवाद, यथार्थवादी दृष्टिकोण में ये विचार निहित है कि विश्व के राष्ट्रों के बीच किसी न किसी बात को लेकर बेमनस्यता और संघर्ष की स्थिति मौजूद रहती है। अंतर्राष्ट्रीय समाज में शक्ति अथवा प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा संघर्ष सदैव चलता रहता है, और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून अथवा संस्था द्वारा इस संघर्ष को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। कूटनीति का प्रमुख कार्य यही है कि शक्ति प्रतिस्पर्धा पर किसी न किसी रूप में अंकुश लगाया जाए। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि यथार्थवाद विरोध और संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शाश्वत नियम और आधार मानता है, और एक इसी महत्वपूर्ण नियम और हत्तव के कारण अंतर्राष्ट्रीय कानून और संस्थाएं एक दूसरे पर नियंत्रण नहीं स्थापित की अंतर्राष्ट्रीय उस पर नियंत्रण नहीं स्थापित कर सकते। मॉर्गेंथाउ इसी यथार्थवादी दृष्टिकोण के जनक हैं। मॉर्गेंथाउ ने ही यथार्थवाद को सैद्धांतिक आधार खड़ा किया है। डॉक्टर महेंद्र कुमार ने तो यहाँ तक कह दिया कि मॉर्गेंथाउ केवल यथार्थवादी लेखक ही नहीं, बल्कि वह पहले सिद्धांतकार भी हैं, जिन्होंने यथार्थवादी ढांचे को वैज्ञानिक ढंग से विकसित किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी प्रतिमान विकसित किया। इसी कारण गाजी गोस्वामी ने यथार्थवाद को मॉर्गेंथाउ का रायवाची बताया है। मॉर्गेंथाउ ने अपने मॉडल में शक्ति के ऊपर मुख्य रूप से बल दिया है, इसीलिए इसे शक्तिवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। मॉर्गेंथाउ की मान्यता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल आधार शक्ति के रूप में परिभाषित हित की अवधारणा है। शक्ति के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रहित की महत्ता पर बल देने के कारण मॉर्गेंथाउ का दृष्टिकोण यथार्थवादी बन जाता है। मॉर्गेंथाउ के समय के शब्द हैं, उसका सिद्धांत यथार्थवादी इसलिए होता है क्योंकि वह मानव स्वभाव को उसके यथार्थ में देखते हैं, जो इतिहास में लंबे समय से चला आ रहा है। प्रमुख यथार्थवादी विचारकों में मॉर्गेंथाउ, E.H. कार, जॉर्ज स्वार्जन वर्ग, क्विंसी राइट आदि प्रमुख हैं। मॉर्गेंथाउ ने यथार्थवाद के 6 सिद्धांत बताए हैं। पहला सिद्धांत है राजनीति पर प्रभाव डालने वाले सभी नियमों की जड़ मानव स्वभाव है। राष्ट्रीय हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। राष्ट्रहित का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य है। राष्ट्र के नैतिक मूल्यों को सार्वभौमिक मूल्य से पृथक मानना और राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता, ये 6 नियम मॉर्गेंथाउ ने यथार्थवाद के सिद्धांत के रूप में दिए हैं। अभी इन 6 नियमों का विस्तार से हम वर्णन देखेंगे। मॉर्गेंथाउ ने राजनीतिक यथार्थ के जो 6 नियम बताए हैं, उसमें पहला है राजनीति पर प्रभाव डालने वाले सभी नियमों की जड़ मानव स्वभाव है। राजनीतिक यथार्थवाद का ये विश्वास है कि राजनीति को सबसे ज़्यादा प्रभावित मानव स्वभाव करता है,
जैसा किसी समाज के व्यक्तियों का, राजनेताओं का, मानवों का व्यवहार होता है, उसी प्रकार से उस देश राज्य की विदेश नीति होती है और उसी से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्धारण किया जाता है। दूसरा नियम है, राष्ट्रीय हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यथार्थवादी राजनीतिक सिद्धांत का दूसरा रूप राष्ट्रहित है। मार्गेनथाउ के शब्दों में शक्ति के नाम से लक्षित स्वार्थों का विचार ही वह प्रमुख मार्गदर्शक है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में यथार्थवाद का पथ प्रदर्शन करता है। शक्ति के रूप में परिभाषित हित की अवधारणा अर्थात राष्ट्रीय हितों की सिद्धि के लिए शक्ति का प्रयोग एक ऐसा विचार है जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक तथ्यों और उन्हें समझने वाले विवेक के मध्य संबंध स्थापित किया जा सकता है। हित का, राष्ट्रीय हित का केंद्रीय बिंदु होता है राष्ट्र की सुरक्षा। हितों की रक्षा के लिए शक्ति अर्जन की आवश्यकता होती है। राजनीति का मुख्य हित अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना होता है। उसके बाद है मार्गेनथाउ का तीसरा पॉइंट है, राष्ट्रहित का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। मार्गेनथाउ राष्ट्रीय हित का कोई निश्चित अर्थ नहीं मानकर चलते। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र के हित हैं वो समय, स्थान और हालातों के हिसाब से बदलते रहते हैं। राष्ट्रीय हितों पे समय, स्थान और परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है और वो समय समय पर निश्चित होते रहते हैं। इसीलिए राष्ट्रहित की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। जो आज हमारे राष्ट्रीय हित हैं वो कल हो सकता है परिस्थितियों के हिसाब से बदल जाए। जैसे हम देखें कि पहले जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उसका झुकाव सोवियत संघ की तरफ ज़्यादा था। उस समय हमारे राष्ट्रीय हित सोवियत संघ के साथ जुड़े हुए थे। अब हमारा झुकाव कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ ज़्यादा है, तो ये हमारे राष्ट्रीय हितों को हम चिन्हित अंकित करता है। तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट, विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य है। राजनीतिक यथार्थवाद राजनीतिक कार्यों की नैतिक महत्ता के प्रति सचेत है, तथापि राजनीति और नीति शास्त्र में स्पष्ट भेद स्वीकार करता है। ये विचारधारा मानती है कि राजनीति और नीति शास्त्र एक नहीं है, इनके बीच में एक निश्चित रूप से भेद है। राज्य के क्रियाकलापों पर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों को सार्वभौमिक अवधारणा के रूप में लागू नहीं किया जा सकता। जो नैतिक सिद्धांत हैं जो उसे सभी राज्यों के ऊपर हम लागू नहीं कर सकते। इन नियमों में राज्य की समय, परिस्थितियां, स्थान के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। यथार्थवाद का आग्रह है कि राष्ट्रों को नैतिक सिद्धांतों का पालन अपने विवेक, राष्ट्रीय हितों और समय के अनुसार करना चाहिए। यथार्थवाद विवेक को राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण और उच्चतर मूल्य मानता है, ना कि नैतिकता को। व्यक्ति अपने लिए कह सकता है कि न्याय किया जाना चाहिए, चाहे विश्व नष्ट हो जाए, किंतु राज्य के संरक्षण में रहने वाले लोगों को राज्य से ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है। कोई भी राज्य नैतिकता की दुहाई के आधार पर अपनी रक्षा को खतरे में नहीं डाल सकता। पांचवा पॉइंट है, राष्ट्र के नैतिक मूल्यों को सार्वभौमिक मूल्यों से पृथक मानना। यथार्थवादी मानते हैं कि एक राष्ट्र की नैतिकता और सार्वभौमिक नैतिकता के अंदर अंतर होता है और उनका एक दूसरे से कोई लगाव और जुड़ाव नहीं है। किसी भी राष्ट्र विशेष की नैतिक कामनाओं को हम सनातक या सार्वभौमिक नियमों के रूप में स्थायी रूप से लागू नहीं कर सकते। यथार्थवादी विचार प्रत्येक राज्य को ऐसे राजनीतिक कर्ता के रूप में देखता है। आगे छठा पॉइंट है, राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता। इसमें यथार्थवादी विचारक अन्य विषयों की भांति ही राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करते हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। धन्यवाद।